हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉग इन स्टडी पर। तो देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2021 के बारे में, ओमार सीट को आपको कैसे भरना है, इसके अलावा क्या क्या आपको साथ में लेके जाना है एग्जाम देने के लिए, इसके अलावा देखिए आपको कौन सा पेन जो कि वहाँ पर काम में लेना है और पेपर जो कि आपको कौन सी भाषा में करना है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको जितने भी आपके डाउट है सबको डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले, इसलिए प्लीज़ देखिए इस वीडियो को लास्ट देखना है। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। यहाँ पे डेली देखिए आपको पीटीटी के लिए रेगुलर क्लासेस और रेगुलर अपडेट जो कि मिलती रहती है। चलिए फिर देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपको ओमार सीट जो कि कैसे भरना है, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पहली बार इस प्रकार की एग्ज़ाम देते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों आपको वहाँ पर इस प्रकार से ओमार सीट जो कि दी जाएगी, और देखिए सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर, ठीक ना, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना है। जो भी आपका रोल नंबर है वो देखिए आपको अंकों में यहाँ पे भरना है। जैसे कि आपका मान लीजिए रोल नंबर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, आपका रोल नंबर कुछ भी हो वहाँ पर आपको इस प्रकार से भरना है। अभ्यर्थी का नाम देखिए बड़े बड़े आपको अपने कैपिटल लेटर में, ठीक ना, कैपिटल लेटर में देखिए आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है दोस्तों, बड़े बड़े लेटर में लिखना है, मान लीजिए एक्स वाई जे, ठीक ना, यहाँ पे एक्स वाई जे लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों बात करें आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, फादर्स नेम, वो भी देखिए दोस्तों कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक ना, समझ गए होंगे आप, आई होप। देखिए इसके अलावा बात करें यहाँ पे आपको कौन सा पेन जो कि वहाँ पे लेके जाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि केवल नीले और काले बॉल पेन से ही सही गोले के गहरे निशान को भरिए। ठीक ना, तो समझ गए ना दोस्तों, आपको देखिए या तो ब्लू पेन लेना है या ब्लैक पेन लेके जाना है वहाँ पे एग्जाम में। ठीक ना, और आपको गोल पूरे गोले को, ठीक ना, पूरे गोले को गहरे निशान से आपको भरना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए कुछ चिन्ह यहाँ पे आपको देखिए वहाँ पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ सही चिन्ह, देखिए यहाँ पे ये वाले गलत है। ठीक ना, कभी भी देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन उसके दो गोलों को नहीं भरना, ओनली एक गोले को ही भरना है इस प्रकार से। इसके अलावा देखिए दोस्तों कभी भी देखिए इस प्रकार से आपको नहीं करना, पहले गोले को ऐसे नहीं करना, इस प्रकार से अगर आप करोगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बना जाएगा, वो पर्सन आपका गलत बन जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो यह भी गलत होगा, गोले को देखिए गोले को इस प्रकार से पूरा भरना है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर आप भरोगे तो वहाँ पर आपका क्वेश्चन अगर आपने सही किया है फिर भी देखिए वहाँ पे गलत बना जाएगा। तो ये बात देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। किसी उत्तर के लिए देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई भी परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। मान लीजिए देखिए आपने कोई क्वेश्चन है जिसका, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ए आपने भरा है, तो ऑप्शन ए पर देखिए अगर आपने उस गोले को भर दिया, फिर मान लीजिए अगर आप फिर से देखिए किसी दूसरे गोले को भर रहे हो तो वह पर्सन भी आपका देखिए गलत माना जाएगा, वह उत्तर ही आपका दोस्तों गलत माना जाएगा। इसके अलावा देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर पत्रिका पर अन्य कहीं कोई भी निशान नहीं लगाए, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ओमार शीट की बात करें कहीं पर भी देखिए आपको और निशान नहीं लगाना। इसके अलावा देखिए ओमार उत्तर पत्रिका पर आपको कच्चा काम नहीं करना, मतलब देखिए रफ कार्य की बात काफ़ी विद्यार्थी कर रहे थे कि सर रफ कार्य के लिए क्या करना है, वो भी देखिए आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए आपको ओमार शीट पर रफ कार्य वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है ना, वो तो देखिए कोई भी नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें आगे आपको देखिए दोस्तों इस प्रकार से वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना, सेकेंड पेज में, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे देखिए मुख्य पर्सन पुस्तिका के नंबर बुकलेट के नंबर जो कि आपको वहाँ के दोस्तों टीचर आपके जो भी टीचर होंगे वहाँ पे क्लासरूम में सेंटर में वो देखिए वहाँ पर आपको फिल करवा देंगे। ठीक है ना, आपके रोल नंबर यहाँ पे भरना है, जैसे कि मान लीजिए आपके रोल नंबर देखिए इस प्रकार से दिए हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपके रोल नंबर है देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए आपके रोल नंबर है। तो आपको देखिए भरने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए 1 दोस्तों यहाँ पे लिखा होता है, इस गोले को आपको ओनली इसी गोले को देख के भरना आपको, ठीक है ना, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों बिल्कुल देखिए पूरा इस गोले को भरना आपको पूरा, ठीक है ना, आराम से। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2 वाले गोले को इस प्रकार से पूरा आराम से आपको भरना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, इसी प्रकार से देखिए आपको पूरे यहाँ पे 7 वाला गोला देख के इस प्रकार से भरना है, ठीक है ना, समझ गए ना, इसी प्रकार से देखिए आपको मुख्य पर्सन पुस्तिका जो कि भरना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखने हैं, मुख्य पर्सन पुस्तिका हो गई, स्टेट देखिए दोस्तों यहाँ पे स्टेट का आपका कोड दिया हुआ होगा, डिस्ट्रिक्ट का आपका कोड दिया होगा, ब्लॉक और सेंटर का कोड जो कि आपको वहाँ पर दिया हुआ होगा, ठीक है ना, ये सभी देखिए वहाँ के दोस्तों इन्विजिलेटर जो कि आपको भरवा देंगे, ठीक है ना, निरीक्षक, परीक्षा निरीक्षक। इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए आपको क्वेश्चन जो कि किस प्रकार से करना है, जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, तो ओनली ऑप्शन सी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना दोस्तों, ओनली ऑप्शन सी को देखिए आपको भरना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सी के अलावा मान लीजिए ऑप्शन बी भर के आ रहे हो तो फिर आपका देखिए ये क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक ना, फिर ये क्वेश्चन आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात। अब बात करें दोस्तों कि आपको एग्जाम में क्या क्या जो कि लेके जाना है, तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी दिए हुए होंगे, देखिए इस प्रकार से कि
प्लीज़ चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन PTT 2021 एग्जाम। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट शुड अपियर इन दिस टेस्ट। ठीक है, मतलब जो भी योग्य है कैंडिडेट वही देख के इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये कोई बात नहीं। देखिए, कैंडिडेट शुड बी प्रजेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर 1 घंटे पहले। मतलब देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट है अभ्यर्थी है उनको 1 घंटे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर पहुँचना जरूरी है। ठीक है ना, ये बात देखिए आपको ध्यान रखना है, 1 घंटे पहले आपको एग्जाम में पहुँचना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी केस नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 20 मिनट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब देखिए, एग्जाम के 20 मिनट के बाद में दोस्तों कोई किसी भी कैंडिडेट को एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब भी देखिए आपको बिठाएंगे, मतलब आपको आधे घंटे पहले जो कि एग्जाम सेंटर में एंट्री करा देंगे, उसके 20 मिनट बाद देखिए किसी को भी एंट्री नहीं करें। देखो, इससे बेस्ट है दोस्तों आप सभी को 1 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुँच जाना है। ठीक है, मतलब आपकी एग्ज़ाम 11 बजे से है तो 11 बजे से पहले, मतलब 10 बजे ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अब बात करें आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने से पहले क्या क्या जो कि लेके जाना जरूरी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि नो कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू अपियर इन द एग्जामिनेशन विदाउट एडमिट कार्ड। मतलब देखिए, आपको अपना एडमिट कार्ड तो लेके जाना ही जाना है, इसके अलावा एडमिट कार्ड के साथ में क्या क्या लेके जाना है, ए वैलिड फोटो। ठीक है ना, एक आपको देखिए वैलिड फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है। मतलब देखिए, आप अपना आधार कार्ड लेके जा सकते हो जहाँ पर आपकी फोटो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, इसके अलावा पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वोटर आईडी लेके जा सकते हो, या ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, या पासपोर्ट लेके जा सकते हो। ठीक है ना, मतलब देखिए कुछ भी आपकी जो भी आईडी है वो लेके जा सकते हो। इसके अलावा देखिए दोस्तों, आपको अपनी 2 फोटो लेके जाना है। ठीक है ना, आपको अपनी देखिए 2 फोटो लेके जानी है। अगर आपके पास जो फोरम में आपने फोटो लगाई है अगर वो फोटो है तो बहुत ही अच्छी बात है, देखिए वो फोटो लेके जाना। इसके अलावा अगर नहीं है तो डोंट वरी दोस्तों, कोई बात नहीं, देखिए किसी भी दूसरी फोटो भी चल सकती है। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं दोस्तों, आपको इसके अलावा देखिए ब्लैक पेन या ब्लू पेन लेके जाना। ठीक ना, आपको इसके अलावा ब्लैक पेन या ब्लू पेन जो कि लेके जाना है एग्जाम में। तो ये थी दोस्तों देखिए बात। अब देखिए बात करते हैं क्या घड़ी एग्जाम में लेके जा सकते हैं, क्या घड़ी जो कि एग्जाम में लेके जा सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ना तो देखिए घड़ी एग्जाम में लेके जा सकते हैं, ना ही देखिए मोबाइल, ना कुछ बैग वगैरह, कुछ भी नहीं। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो देखिए कुछ भी एग्जाम में नहीं लेके जा सकते दोस्तों। ठीक ना, साफ साफ देखिए यहाँ पे मना किया हुआ है, एग्जाम में देखिए कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कि नहीं लेके जा सकते। देखिए कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, इसके अलावा देखिए जो भी और है, देखिए फ़ोन वगैरह, कुछ भी एग्जाम में नहीं लेके जा सकते। ठीक है ना, साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें रफ का पेज जो कि एग्जाम में लेके जा सकते हैं क्या रफ कार्य करने के लिए, तो बिल्कुल दोस्तों नहीं लेके जा सकते। ठीक ना, रफ के पेज के लिए देखिए आपको अपने पेपर में, ठीक ना, आपको आपके पेपर के लास्ट पेज में देखिए रफ कार्य के लिए एक देखिए पेज दिया हुआ होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको एक पेज में रफ कार्य नहीं हो रहा, तो आप देखिए क्वेश्चन के पास में भी रफ कार्य कर सकते हो। ठीक ना, आप क्वेश्चन के पास में भी रफ कार्य कर सकते हो, कोई देखिए आपको मना नहीं कर सकता। ठीक ना दोस्तों, तो ये था देखिए दोस्तों आपका, आई होप देखिए आप सभी का जो भी डाउट था एग्जाम से पहले वो सभी डाउट जो कि क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपका और कोई देख के यहाँ पे डाउट है दोस्तों, कोई भी परेशानी है, तो देखिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपके परेशानी का दोस्तों बिल्कुल समाधान किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।